खबर महाराष्ट्र के ठाणे से है, जहां केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, जिसके चलते प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले भी जनजागृति रैलियां कर रहे हैं। ऐसे में जिले के कल्याण, उल्हासनगर और बदलापुर में भी महंगाई को लेकर विरोध किया गया और जनजागृति रैली निकाली गई, जिसमें बीजेपी का विरोध किया गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि वह आगामी चुनाव भले ही महाविकास आघाड़ी में नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनका बीजेपी मुक्त भारत संकल्प कायम रहेगा। कुछ जगहों पर कांग्रेस महाविकास आघाड़ी से अलग होकर चुनाव लड़ेगी और कोशिश यही होगी कि देश को बीजेपी सरकार से मुक्त किया जाए। ये उल्हासनगर मध्ये हे व्यापारी शहर आहे। या शहरामध्ये ज्या पद्धतीने व्यापारी व्यवस्था निर्माण व्हायला पाहिजे, या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात महानगरपालिकेमध्ये झालेला भ्रष्टाचार आपण पाहिला असेल की जास्त टॅक्सेस लावणं, सामान्य लोकांना जगणं मुश्किल करून टाकणं, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न या शहरामध्ये आहे, रस्ते पण या ठिकाणी अशीच अवस्था आहे। या शहरामध्ये जुन्या इमारती आहेत ज्याच्यामध्ये लोकांचा जीव जाईल अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, आणि भ्रष्टाचारी व्यवस्था जी या महानगरपालिकेमध्ये उल्हासनगरमध्ये आहे ती उद्ध्वस्त करणं हाच काँग्रेसचा उद्देश आहे, आणि जनतेचा, उल्हासनगरच्या जनतेचा आशीर्वाद हा काँग्रेसलाच मिळेल असा विश्वास हा काँग्रेसचा आहे।